बहुत बहुत शुक्रिया इस पंडाल में हम सभी कार्यकर्ता आपका स्वागत करते हैं कि आपने इतने बहुमूल्य समय में हमको यहाँ और हमारे समाज के लिए और पूरे इस पंडाल आपका स्वागत करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनंदन है कि मेले में आए हुए सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और कहिएगा सब माता रानी का आशीर्वाद है। देखिए इतना बादल होने की वजह से बारिश नहीं हो रहा। शारदीय नवरात्र की आज नौमी तिथि है और मैं मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज के मीरगंज में। मीरगंज स्टेशन रोड पूरब मोहल्ला में एक बड़ा दिव्य और भव्य पंडाल बना है और श्री दुर्गा पूजा समिति पूरब मोहल्ला मील रोड मछली मार्केट न्यू बजरंग दल आयोजन समिति है और समिति का नाम है न्यू बजरंग दल। न्यू बजरंग दल के द्वारा विगत कुछ वर्षों से यहाँ बड़ा भव्य और आकर्षक पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं झमाझम बारिश और मौसम में भी नमी आ रही है। इसके साथ ही साथ जो है श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था का यह सैलाब जो उमड़ा है मौसम के इस खुशगवारी पे आस्था का यह सैलाब भारी पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ के जो कमेटी है उस कमेटी के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा विनोद सोनी नाम हुआ। कब से यहाँ ये पंडाल बन रहा? मेरा पंडाल बनता था 5 साल पीछे और 5 साल बाद में मेरा पंडाल, मेरा सारे सदस्य, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, सबको चंदन कुमार, बम कुमार। कितने रुपए की लागत से बना है? मोटा मोटी मेरा 4 लाख 4.5 लाख रुपए का। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम चंदन कुमार है। अच्छा। मैं मछली व्यवसाय हूँ। हम लोग का नाम रखा गया है न्यू बजरंग दल श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति। ठीक है सर। और एक बात है, हम लोग गरीब दल हैं, हम लोग को गरीब दल हैं। इसके बाद इतना सुंदर आयोजन किया, वो तो महारानी का कृपा है सर। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ललन कुमार है। बड़ा अच्छा आयोजन किए हैं आप लोग, ये तो माँ का कृपा है। कितना का लागत होगा इस आयोजन? 5 लाख से ऊपर लागत है, प्लस में भी जाएगा। और मैं चाहूँगा कि सभी भक्तों से निवेदन है, अभिनंदन और नंदन है कि मेले में आए हुए सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और अपने क्या नाम है आपका? विशाल पटेल है सर। विशाल पटेल आप ही हैं? कब से आयोजन? मेरा ये कम से कम 6 साल है आज जी। चलिए बड़ा सुंदर आयोजन किए हैं, आइए अंदर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं क्या है। देख सकते हैं पूर्ण रूप से दिव्य और भव्य पंडाल बना है और सबसे आकर्षण का केंद्र है पंडाल के ऊपर लगाया गया तिरंगा। और देख सकते हैं कितना सुंदर तिरंगा है ऊपर और आस्था के साथ साथ देशभक्ति की भाव भी यहाँ झलक रही है पंडाल के ऊपरी तल पे तिरंगा। और आप देख सकते हैं पंडाल के प्रांगण में कितना सुंदर पानी का एक झरना लगा है जो आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अद्भुत है। और क्या शुभ नाम है आपका? सुनील कुमार दुबे सर जी। दुबे जी हैं, बिजली काटते हैं और जोड़ते हैं सर जी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बस पंडाल में ड्यूटी लगा हुआ है सर जी। अच्छा, यहाँ इसी पंडाल में हैं आप? कितने पदाधिकारी हैं आपके? 6 पदाधिकारी हैं सर। देख सकते हैं बिल्कुल दिव्य है और श्रद्धालुओं की यह भीड़। रिमझिम बारिश हो रही है और बारिश के बीच भी आस्था कम पड़ते नहीं दिख रहा है। दूर दूर से सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों से हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस झमाझम बारिश के मध्य में आए हैं और मां के इस अद्भुत और अलौकिक छवि का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सच्चे दरबार की जय माता दी। श्रद्धालुओं की यह भीड़, आस्था जय माता जी और माता की यह। क्या नाम है आपका? रात में चश्मा लगाए हैं। सुजीत कुमार। इसीलिए चश्मा लगाए हैं शौक से कि कोई दिक्कत? शौक से, कोई दिक्कत नहीं। झमाझम बारिश में आप आए हैं? क्या एंजॉय करने के लिए आए हैं? एंजॉय करने की, दर्शन करने? वही, दर्शन करने, एंजॉय करने। क्या नाम है आपका? अनीश कुमार। अनीश कुमार जी हैं। कहाँ घर है आपका? बलेसरा। बलेसरा से आए हैं अनीश बाबू। क्या करने आए हैं बारिश में? आए हैं मेला घूमने। माँ से क्या मांग रहे हैं? दुआ मांगेंगे मेरे लिए कि अपने लिए? अपने लिए, सबके लिए। सबके लिए हाँ। ये कह रहा हूँ नाम बाटी का चंदन कैले बनी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? माँ का भक्ति है, अब शक्ति उन्हीं का है।
इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। जी जी, सबका आशीर्वाद दे। प्रार्थना कुछ किए हैं? हाँ किए हैं, सबका अपने लिए, सबके लिए, सबके लिए। आपका क्या नाम है? बड़ा राकेश जी हैं, इस मंदिर के आप थी पंडाल के पदाधिकारी हैं? जी नहीं, कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं जी। कितने वर्षों से आप लोग आयोजन कर रहे हैं? लमसम 10 वर्षों से। 10 वर्षों। कितना का लागत होगा? लागत तो लमसम यही 8-9 लाख का लागत होगा। बहुत सुंदर आयोजन किए हैं। कहा तहार नाम हो? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। कहाँ घर हो? मीरगंज। कहाँ इजाइल? बड़ा बरखा में भिजत नहीं कहो? पंडाल में भिजत नहीं कहो? ना। चलिए देख सकते हैं। और विशाल बाबू और क्या कहिएगा? और कहिएगा सब माता रानी का आशीर्वाद है। देखिए इतना बादल होने की वजह से बारिश नहीं, इसके बाद भी इतने लोग भरे हुए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? बहुत दूर दूर से यहाँ से आते हैं। हथुआ अमलोरी सरसर के पास के लोग आते हैं, जिगना के बगल में से लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? बड़ा विशाल कद है। राजन कुमार। राजन जी हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बस आप ही लोग सेवा में हैं। क्या कहेंगे आप? हम माई के सेवा कर रहे हैं, जनता लोग का भी। और तारा क्लासेज के सर हैं और छुप छुप के रह रहे हैं। नहीं सर। क्या हाल है सर? आशीर्वाद आप ही के आग्रह पे हम यहाँ आधी रात को आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पंडाल में हम सभी कार्यकर्ता आपका स्वागत करते हैं कि आपने इतने बहुमूल्य समय में हमको यहाँ और हमारे समाज के लिए और पूरे इस पंडाल आपका स्वागत करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपके यहाँ इतने दूर दूर से सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग आए हैं? बहुत खुशी हो रही है सर, हर्षोल्लास के साथ। और यही हमको शक्ति देता है कि हम लोग इस कार्यक्रम को और दिलोजान से लगकर करते हैं और माँ भगवती माँ शारदीय हम सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पंडाल में आए और माँ का आशीर्वाद ले और माँ सबके आम लोगों के सहयोग से एक एक पाई के सहयोग से यह पंडाल बना है। क्या निवेदन करेंगे लोगों से? सभी श्रद्धालु भक्तों से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ आए, माँ का आशीर्वाद ले और माँ के श्री चरणों में उनसे जो संभव बन सके वो दान दें। दान के दो रूप होते हैं, श्रद्धा और शक्ति। आपके पास श्रद्धा है तो अपने श्रद्धा के अनुसार करिए और शक्ति है तो शक्ति के अनुरूप दान करिए। आपके एक एक पाई के दान से ही इतना सुंदर आपके यहाँ आयोजन हुआ है। मेरे भैया हैं, आइए, दो पदाधिकारी हैं इससे पूजा पंडाल के जिनके द्वारा यह अद्भुत आयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका काका? बलराम प्रसाद। बलराम जी हैं। कृष्ण जी कहाँ हैं? कृष्ण जी जय माता जी। जय माता जी है। बड़ा सुंदर आयोजन किए हैं, पूरा पीला पीला वस्त्र में है, ललाट पे चंदन टीका सब सुशोभित हो रहा है। क्या कहेंगे आपके इस आयोजन में? सिवान गोपालगंज के सीमावर्ती इलाके के 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों के लोग इस झमाझम बारिश में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, माँ पूरा करती है। कहा कहब काकी रुआ? कहा अपन नाम बा? सरस्वती देवी। बड़ा बढ़िया आयोजन हुआ लोग कैले बने। माँ चाहे ली तो कल जला। 8 साल करते हैं, 14 साल से, 15 साल, 34 वर्षों से। यहाँ तो पहली बार है, 2-3 वर्षों से हो रहा है? यहाँ तो 6 वर्ष से, 8 वर्ष हो गया। इसके पहले आया था। क्या निवेदन करेंगे आम लोगों से? बोलिए कि कुछ सहयोग। चलिए आइए, कुछ और पदाधिकारी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ आप लोग टेबल लगाए हुए हैं, बैग है, क्या मकसद है इसका? ये हम लोग का जो है, कोई भी अधिकारी चाहे कोई बड़े लोग जो भी आते हैं, हम लोग से सीनियर लोग आते हैं, उनको स्वागत के लिए हम लोग तत्पर बैठते हैं। और सोफा जो भी लगा के कहते हैं, कोई दूर दराज से लोग आए, पैर दुख जाए, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था रहती है, पार्किंग व्यवस्था रहती है, ताकि कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग इस सब व्यवस्था रखते हैं। क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? बड़ा सुंदर आयोजन किए हैं सब, माता रानी की कृपा। बड़ी अच्छा मुस्कुरा रहे हैं आप, बस क्यों? माता रानी की कृपा है, उनका बारिश में लोग भीग रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मान लीजिए कि बारिश हो तो उसमें तो सब अच्छा। क्या किया जाए,
आइए आइए इधर है। कहाँ घर होता है? कहाँ नाम हो? कहाँ आयल बड़ा? माता रानी। मिठाई की नाइल हो? मिठाई पैसा नहीं, पैसा नहीं है। देखिए तमाम बच्चे हैं और एक एक लोग हैं। का नाम हो तुहार? आय लालू। वो तो पटना में बड़े। कैसा लगा था? कहाँ तार घर हो? मीरगंज। कहाँ आयल बड़ा? मेला देखे। जिलेबी खेला हो? देखिए बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और एक एक लोगों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी हंस रहे हो। हाँ? संदीप कुमार। कहाँ आए हो यहाँ? मेला घूमने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। घूमने आए हो कि माँ को प्रणाम करने आए हो? माँ को प्रणाम करने। प्रणाम किए हो? हाँ। क्या मांगे हो माँ से? मैट्रिक का एग्जाम है भाई। मैट्रिक का एग्जाम है, तैयारी तो पास कर जाए। चलिए, और लोगों के लिए क्या मांगे? अपने घर के माता पिता के लिए और घर के लोग अच्छे रहें, पापा अच्छे से कमाएं। चलिए, यही तमाम श्रद्धालु हैं और इन्हीं लोगों के साथ मैं मछलीहट्टा जो पूरब मोहल्ला में स्थित यह पंडाल है, बड़ा दिव्य आयोजन हुआ है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। क्या नाम है? सुधीर कुमार। कहाँ घर हुआ? यही मीरगंज में। कहाँ आए हैं इस झमाझम बारिश में? दुर्गा जी के दर्शन करने। हो गया दर्शन? वो कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? बस आशीर्वाद मांगे हैं। अपने लिए कि औरों के लिए? नहीं, फैमिली के लिए। केवल फैमिली के लिए? हाँ, अपने लिए फैमिली। मेरे लिए कुछ नहीं मांगे? नहीं, सब लोग इसी में है, क्यों नहीं मांगे। अच्छा, क्या नाम है? रवि कुमार। रखिए रवि हैं, रवि के रहते यहाँ अंधेरा छाया है। तुहार का नाम हो? बड़ा बोर्ड वोर्ड लगा बड़ा। अजय कुमार। अजय, अजय का अर्थ क्या होता है? अरे इतना मालूम नहीं था तुमको। किस क्लास में पढ़ते हो? हम टेंथ। टेंथ में क्या कर रहे हो यहाँ? अभी यहाँ पर सदस्य कह। चलिए, तमाम श्रद्धालुओं के साथ सहयोगी अमित कुमार सिंह और इस पंडाल के तमाम पूजा कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मैं शंभु प्रसाद है। आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।